गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हो, आज से हम 12th की मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और 11th की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन रेगुलर आपको क्लासेस का स्टडी करने का मौका मिलेगा। और इसमें आपको यदि लगता है कि कहीं पे इम्प्रूव की आवश्यकता है तो आप हमें अवश्य बताएं। मैं अपना भरपूर प्रयत्न करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा दे सकूं। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज हम गणित के बारे में सबसे पहले अवकल गणित की बात करूंगा। अवकल गणित ये अपने आप में एक बड़ा पोर्शन है। अवकल गणित के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स 12th के अंदर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास के अंतर्गत आपने सीमा एवं अवकलन, 11th क्लास के अंदर आपने ये पढ़ा है सीमा एवं अवकलन, ठीक है। आज आप पढ़ेंगे जैसे अवकलन, यहाँ पर अगला टॉपिक है अवकलज के अनुप्रयोग। अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे समाकलन। अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे समाकलन के अनुप्रयोग। और नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे अवकल समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यहां पर अवकलन, एक और टॉपिक आएगा यहां सीमा अवकलज एवं सांतत्य एवं अवकलनीयता, सांतत्य एवं अवकलनीयता वो भी इसी में शामिल होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं सांतत्य एवं अवकलनीयता, उसके बाद अवकलन, उसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये हमारे 12वीं क्लास के अंतर्गत 38 मार्क्स के टॉपिक हैं। कितने के? 38 मार्क्स का। तो इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि अवकल गणित है क्या। अवकल गणित के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, तो हम इसको किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हम आपसे कहें कि आपने अनेक प्रश्नों पर विचार किया होगा जिसमें एक राशि किसी दूसरी राशि पर निर्भर होती है, तो जिसमें एक राशि स्वतंत्र होती है, अर्थात उस स्वतंत्र राशि का यदि हम वैल्यू रखते जाएं तो हमें दूसरी राशि उसी के घटने या बढ़ने पर निर्भर करती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि एक राशि, यदि स्वतंत्र राशि x है, सपोज दैट x मान लो या कुछ और मान लो, तो स्वतंत्र राशि जो है वो जब हम उसकी वैल्यू रखते हैं तो दूसरी राशि है उसकी जो वैल्यू आती है वो उसके घटने या बढ़ने पर निर्भर करती है। सपोज दैट कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। अगर हम ये कहें एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यदि आर का मान घटने या बढ़ने पर क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट कहाँ आएगा, इफेक्ट आएगा एरिया पर। यदि आर का मान घट रहा है स्वतंत्र राशि का, तो जो हमारा एरिया है वो भी उसी के अनुसार घटता या बढ़ता है। तो यदि हम कहें कि आर 1, 2, 3, तो एरिया भी अपना इसी के हिसाब से चेंज होने लगेगा। यदि हम आर का मान 1 रख दें तो पाई हो जाएगा, 2 रख दें तो 4 पाई हो जाएगा और 3 रख दें तो 9 पाई एंड एक्सेट्रा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक राशि जो स्वतंत्र राशि है उसके घटने या बढ़ने पर उसका एरिया भी घट या बढ़ सकता है। अर्थात और भी उदाहरण ले सकते हैं कि हम ये कहें कि शंकु का आयतन
शंकु का आयतन की बात कर लें या गोले के आयतन की बात कर लें तो शंकु का आयतन भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी निर्भर करेगा उसकी त्रिज्या और ऊंचाई पर। अगर हम गोले के आयतन की बात कर लें इसी प्रकार गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो गोले का आयतन किस पर निर्भर करेगा त्रिज्या पर, किस पर निर्भर करेगा त्रिज्या पर। यदि उसकी त्रिज्या घट या बढ़ रही है तो उसी के अनुसार क्षेत्रफल भी बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है ना? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी प्रश्न पर विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस राशि के बढ़ने या घटने पर यदि दूसरी राशियां घट बढ़ रही है तो इसको हम अवकल गणित के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस बात को मैंने आपको समझाया है कि आखिर अवकल गणित है क्या, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ रही है और एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी घट रही है। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं इसी को हम अवकल समीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसमें चर और अचर, अगला टॉपिक है अपना चर, राशियां, सपना टॉपिक है राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं चर राशियां और दूसरी होती हैं अचर राशियां। अंग्रेजी में से वेरिएबल क्वांटिटीज एंड इसको कांस्टेंट, ठीक है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, कितने लोग जानते हैं चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां, अगर हम चर राशियों की बात करें, हाँ भाई, कितने लोग बता सकते हैं चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां कहते हैं। परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां कहते हैं। आपने खूब पढ़ा है चर अचर क्या है, सर एक्स वाई जेड चर है और ए बी सी अचर है। हाँ हैं, लेकिन किस तरह उनको व्यक्त किया जा सकता है, किस तरह उनकी बात की जा सकती है, वे राशियां जिनका मान क्या कह सकते हैं, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है चर राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों के असंख्य संख्यात्मक मान दिए जा सकते हैं चर राशियां कहलाती हैं। आज से आप जान लें बेसिक कंसेप्ट के अंदर, आपको अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की जानकारी लेनी है, क्या कहानी है इसके अंदर, अवकल गणित में कैसे ये आता है, हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की चर राशियों की, परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां कहते हैं, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात जिन राशियों के असंख्य संख्यात्मक मान दिए जा सकते हैं चर राशियां कहलाती हैं। जैसे इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के
अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों अर्थात एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू आदि से व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि चर राशियां मतलब इन्हें एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, तो हमने जो बात लिखी है इस तरह से इन्हें हम चर राशियों के द्वारा व्यक्त करते हैं, विशेष बात जो हमने जो डेफिनेशन बताई है। अब बात करते हैं हम अचर राशियों की, या आप नोट कर लें। अब हम आपको बताएंगे दूसरा हमारा टॉपिक है इसी का, राशियों में अचर राशियां। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर चर और अचर को ही नहीं जानते हैं तो हमारा गणित पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमें बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत आवश्यक है। गणित तो हम पढ़ ही लेंगे, पूरी वर्ष पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आ जाएं तो बड़ा मजा आएगा और पढ़ने की भी अच्छी अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो अर्थात बात करेंगे अचर राशियां, वे राशियां जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया में अपरिवर्तित, कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है अचर कहलाते हैं। अचर राशियां कहलाती हैं, वे राशियां जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया में ऑपरेशन में अपरिवर्तित नो चेंज रहता है अचर राशियां कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज कहलाती है। अगर हम बात करें ये भी दो प्रकार की होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। आज तक आप तो केवल यही जानते हो ना कि अचर राशियां होती हैं, लेकिन हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि ये दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार कौन से हैं, इनको आप जान लें आज से, और आज से आप अच्छी तरह समझेंगे कि ये राशियां कौन सी होती हैं। सबसे पहले निरपेक्ष या पूर्ण अचर, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, और दूसरी होती हैं निरपेक्ष या पूर्ण अचर। और एक तो हो गई आपकी निरपेक्ष या पूर्ण अचर, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, एवं दूसरी हैं स्वेच्छ अचर, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट लिख लें। तो ये दो स्वेच्छ अचर होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर निरपेक्ष अचर क्या होते हैं, निरपेक्ष अचर या पूर्ण अचर, जिन राशियों का मान गणित के प्रत्येक प्रश्न में जब दिया जाता है तो वो पूर्णतया कांस्टेंट होता है, अर्थात उसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, वे सभी निरपेक्ष या पूर्ण अचर कहलाते हैं। जैसे -5, -3, 1, 2, e 3/5 पाई एक्सेट्रा। आप देखिए यदि कहीं पर -5 कैसी राशि है, अचर, क्या आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं, -3 को परिवर्तित कर सकते हैं, 1 को परिवर्तित कर सकते हैं, e को परिवर्तित कर सकते हैं, 3/5 को परिवर्तित कर सकते हैं, पाई को परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं। इसलिए दैट इज निरपेक्ष या पूर्ण अचर। आज से आप जान लें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अंतर होता है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में ये बहुत बड़ी बात बताई है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं स्वेच्छ अचर, भिन्न भिन्न प्रश्नों में भिन्न भिन्न मान देने पर
यानी कि जो स्विच आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, इनमें आपने देखा हो कहीं तो ए का मान दो दे देगा तो कहीं ए का मान पांच दे देगा। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर आपने देखा हो उसी किसी टर्म की वैल्यू कुछ और लिखी हुई है और वहां दूसरी जगह जाएंगे तो उसकी वैल्यू कहीं और कुछ और। दैट इज द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। कभी कभी ए बिलोंग्स टू आर लिखते हैं और कभी कभी ए बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं या ए बिलोंग्स टू जेड लिखते हैं। तो दैट इज द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। भिन्न भिन्न प्रश्नों में, भिन्न भिन्न संक्रियाओं में भिन्न भिन्न वैल्यू जब ली जाती है, इनकी स्वेच्छ मान रखे जाते हैं तो दैट इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। इसी को हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मतलब स्वेच्छा से उन मानों को लिया जा सकता है, बट पूर्ण अचर में ऐसा नहीं है, जो है वही, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इन्हें इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षरों जैसे ए बी सी डी आदि एक्सेट्रा से निरूपित करते हैं नोट डाउन कर सकते हैं आप। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम चर राशियां अचर राशियां पढ़ के आए, वैसे ही एक संबद्ध राशियां होती हैं जिसको हम रिलेटेड, वैसे तो संबद्ध का मतलब एफिलेटेड होता है लेकिन यहां पर चलेगा रिलेटेड क्वांटिटीज। जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में, त्रिज्या एक राशि है, तब हम ये कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न त्रिज्याएं, लेने पर उनके क्षेत्रफल भी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। स्वाभाविक बात है कि यदि हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो वो किस पे डिपेंड होगा? त्रिज्या पर। तो अर्थात हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यदि हम उनकी भिन्न भिन्न त्रिज्याएं लें तो उनके क्षेत्रफल भी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। इसलिए आप ध्यान से नोट कर लें, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, यदि आर इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सो वी गेट पाई 2π, 4π एंड 9π एक्सेट्रा। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनके क्षेत्रफल भी अलग अलग प्राप्त होंगे। अर्थात यहाँ से क्या निकल के आया कि यदि हम कहें एक राशि दूसरी राशि पर डिपेंड है या एक दूसरे से रिलेटेड होती है, अर्थात हम इसको यही कह सकते हैं कि त्रिज्या पर उसका क्षेत्रफल निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर है अर्थात ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे बहुत एक अच्छा एग्जांपल दें हम आपको, आप छात्र हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, और आपके पिता आपको यदि स्कूल की फीस, आज मान लीजिए स्कूल में ये कह दिया गया कि कल आपको अपनी फीस लानी है, तो आप क्या करेंगे? कहीं आप मजदूरी करने जाएंगे, कहीं आप कार्य करने जाएंगे, तो दैट इज आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे। कहाँ जाते हैं? पेरेंट्स के पास। अर्थात हम ये कह सकते हैं, देखो वो एक बात अलग है कि किसी के साथ परिस्थितियां हो वो खुद कर रहा हो, लेकिन 99% की यदि बात करें तो जब आप छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स से ही फीस मांगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
आप उस पर डिपेंड हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपका संबंध पिता से और पिता का संबंध आपसे है। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या में इस प्रकार हम संबंध को व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात ये राशियां संबंध राशियां कहलाती हैं। इस प्रकार हम त्रिज्या है या हम आयतन की बात कर लें या हम किसी और टॉपिक की बात कर लें, ये सभी इस तरह से होता है। इसमें भी दो प्रकार की बात होती है, नंबर एक स्वतंत्र राशि स्वतंत्र और नंबर दो परतंत्र। ये भी हम आपको बता दें, अभी हमने जैसा कि बात किया ये आपकी डिफेंड हो गई और ये इनडिफेंड हो गई। एक उदाहरण ले लो y इज इक्वल टू 2x+5। एक और फलन का उदाहरण ले लिया y इज इक्वल टू 2x+5। यदि x बराबर 1, 2, 3 and so on तो बेटा बताना y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 कितनी हो गई 7। अगर हम 2 रख दें 2 × 2 = 4 कितनी हो गई 9। अगर हम 3 रख दें 3 × 2 = 6 6 और 5 = 11। तो आपने देखा जहां x स्वतंत्र कैसी है, स्वतंत्र, और y कैसा है, परतंत्र। अर्थात y जो है वो x की वैल्यू पर निर्भर करता है, इसी को हम स्वतंत्र और परतंत्र राशियां भी कहते हैं जो संबद्ध राशियों के अंतर्गत आती है। आज हम आपको इस टॉपिक को यहीं तक पढ़ाएंगे, इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।